हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे YouTube चैनल सीबीटी आर्य में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कैरेबियन प्रीमियर लीग 2022 के बारे में, और ये CPL का नौवां मैच है। दोस्तों ये मैच होने वाला है सेंट लुसिया किंग्स और जमैका थनावास के बीच में। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ इन तक बने रहिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ मिलती रहे आप क्रिकेट चैनल पर, जहाँ आपको मैच से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। तो ये मैच होने वाला है 8 सितंबर थर्सडे को 4:30 PM से ऑन ग्राउंड ऑफ डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लुसिया वेस्ट इंडीज में। अब मैच की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए सेंट लुसिया किंग्स, तो फैफ डुप्लेसिस हैं हाईएस्ट टॉप लीडिंग स्कोरर हैं, ये एक फाइन स्ट्राइकर हैं, काफ़ी अच्छे ले में दिख रहे हैं डुप्लेसिस सेंट लुसिया किंग्स की साइड से, और डोमिनेट करेंगे जमैका थनावास को। और बात करें टॉप विकेट टेकर की, तो वो है अल्जारी जोसेफ, ये भी काफ़ी अच्छे लय में दिख रहे हैं सेंट लुसिया किंग की साइड से। अगर बात करें जमैका थनावास की, तो स्किपर ब्रेंडन किंग है टॉप रन स्कोरर है अगेंस्ट सेंट लुसिया किंग्स के। और बात करें टॉप विकेट टेकर की, तो वो है मोहम्मद आमिर, काफ़ी अच्छे लय में ये भी दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लाइनअप है इनका, और काफ़ी बढ़िया विकेट निकाला है जमैका थनावास के लिए। और अगर बात करें हमारे क्रिकेट प्रेडिक्शन की साइड से, तो जमैका थनावास एक स्ट्रॉन्ग टोटल है इस गेम में। अगर पिच रिपोर्ट के बारे में बात किया जाए, तो जैसे जैसे मैच प्रोसीड कर रहा है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिच सर्विस अच्छे पेस में हो रही है और ये कॉन्स्टेंट बाउंस दे पाई है। स्पिनर्स के लिए तो काफ़ी अच्छे फेवर में देने वाला है ये पिच। मैच के बाद पहले बल्लेबाजी करना ही बेहतर होगा। अगर बात किया जाए, तो 150 तक के स्कोर का हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा स्कोर 150 से के अगर प्लस कोई भी टीम करती है, तो मतलब कि जीत सकती है। वहीं लास्ट 5 मैचेस की बात किया जाए दोस्तों, तो सेंट लुसिया किंग्स ने पिछले 5 में से 1 में जीत का सामना किया है। और वहीं जमैका थनावास की साइड से बात करें, तो इन्होंने 5 में से 3 में जीत का सामना किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। दोनों ही टीमें अच्छी हैं, पर यहाँ दोनों ही टीमों का परफॉर्मेंस अच्छा, एक दूसरे को काफ़ी बढ़िया कंपटीशन देती है और दे रही है। अब देखा जाए स्टैटिस को मद्देनजर रखते हुए, तो दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी है, और टूर्नामेंट के साथ दोनों ने अच्छा प्रोग्रेस किया। जमैका थनावास हमारी फाइनल वर्डिक्ट ऑफ प्रेडिक्शन रहेगी दोस्तों हमारी साइड से। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।